नमस्कार दोस्तों, मेरे कायदे भान इस लीगल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का विषय है, अगर मुस्लिम पत्नी का मुस्लिम वाइफ का देहांत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके प्रॉपर्टी का उसके लीगल हेयर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसके बारे में हम क्या लीगल प्रोविजन है ये देखेंगे। तो मुस्लिम लॉ में ये प्रोविजन है कि अगर मुस्लिम वाइफ की डेथ होती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लीगल हेयर कितने टाइप के होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है कुरानिक हेयर्स, दूसरे होते हैं रेसिडरीज, और तीसरे होते हैं डिस्टेंट किनरेड। अगर एक नंबर और दो नंबर की कैटेगरी के नहीं है कोई बंदे, तो ही डिस्टेंट किनरेड थर्ड कैटेगरी का राइट डेवलप होता है। अगर एक फर्स्ट कैटेगरी के हेयर्स अगर जिंदा है तो थर्ड वालों का कोई राइट डेवलप नहीं होता है। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। अभी अगर किसी मुस्लिम पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले तीन बातें की जाती है। पहली बात, उसके फ्यूनरल में जो भी एक्सपेंसेस आया है वो सारा खर्चा, वो सारे एक्सपेंसेस उसकी प्रॉपर्टी से माइनस किए जाते हैं। सेकंड, उस डेथ हुई वाइफ का, देहांत हुई पत्नी का, अगर पत्नी के ऊपर अगर कोई कर्जा है, कोई डेप्ट है, तो वो सारा क्लियर किया जाता है। ये दो चीज होने के बाद तीसरी चीज चेक की जाती है कि जिस पत्नी का, जिस वाइफ का देहांत हुआ है, उसने कोई विल बनाई क्या? अगर विल बनाई है तो विल में मुस्लिम लॉ में कंडीशन है कि 1/3 प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी का विल नहीं बनाया जा सकता। तो ये कंडीशन में वो विल को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में अगर वो विल बैठती है तो जो भी विल बनाई है उस हिसाब से प्रॉपर्टी दी जाती है। ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है, अब उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा? कुरानिक हेयर्स मतलब शेयरर्स, उस उनको देने के बाद जो बचेगा वो रेसिडरीज को दिया जाएगा, और रेसिडरीज को देने के बाद अगर कुछ बचता है तो कुरानिक हेयर्स जो है उनको रेसिडरीज में कन्वर्ट करके बचा कुचा भी उनको बांट दिया जाता है। यह है मुस्लिम लॉ में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो वाइफ की जब डेथ होती है तो हस्बैंड को, तो हस्बैंड जो है वो कुरानिक हेयर्स मतलब शेयरर्स इस कैटेगरी में आता है। तो फिर हस्बैंड का शेयर कितना बनता है? उसमें दो कंडीशन है। अगर जिस वाइफ की डेथ हुई उसको बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को जाएगा हाफ शेयर, बचे हुए प्रॉपर्टी में पूरा हाफ शेयर जाएगा। लेकिन पत्नी का देहांत हुआ है, उसको बाल बच्चे हैं, तो पति को हाफ शेयर नहीं जाएगा, उसको 1/4 शेयर जाएगा। 1/4 शेयर जाने के बाद जो बचता है उस प्रॉपर्टी को बच्चों में बांटा जाता है। बच्चों में बांटते समय फिर से एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो ये है कि अगर लड़के और लड़कियां दोनों बच्चे हैं, दोनों तरह के, दोनों जेंडर के बच्चे हैं, तो लड़के का 2 शेयर बनता है, लड़की का 1 शेयर बनता है। इस हिसाब से उसके हिस्से किए जाते हैं। हिस्से कैसे बनेंगे? मानो 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो उसमें अब रूल क्या है, लड़का 2 शेयर उठाएगा, 2 हिस्से उठाएगा, लड़की 1 उठाएगी। तो इस केस में 2 लड़के हैं, 2 लड़की है, तो कितने हिस्से बनेंगे? पहले लड़के के 2, दूसरे लड़के के 2, लड़की का 1 और 1, ऐसे कुल 6 हिस्से बनेंगे। तो बची हुई प्रॉपर्टी के 6 हिस्से करेंगे, और उसमें से बड़ा बेटा 2 हिस्से उठाएगा, दूसरा बेटा 2 हिस्से उठाएगा, बेटी 1 हिस्सा उठाएगी और आखिरी वाली बेटी 1 हिस्सा उठाएगी। इस तरह से 6 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर बच्चों में लड़के नहीं है, मतलब मेल जेंडर नहीं है, लड़की है और लड़की अकेली है, तो वो कितना उठाएगी? वो 50% उठाएगी। लेकिन 1 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, फीमेल जेंडर है, तो क्या करेंगे? उस केस में 2/3 पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कुल संपत्ति के, बची हुई कुल संपत्ति के 2/3 पोर्शन बच्चों के, लड़कियों के लिए निकाला जाएगा। उस 2/3 को जितने लड़कियां हैं उसमें समान हिस्सा करके हिस्से बांट दिए जाएंगे। तो यह है मुस्लिम लॉ की प्रोविजंस किस बारे में, अगर वाइफ की या फिर मैरिड वुमेन की डेथ होती है तो उसके प्रॉपर्टी का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए लीगल हेयर्स में, इसके बारे में जो प्रोविजन है वो इस तरह से। तो दोस्तों, तो आपके लिए मैं ऐसे ही संबंधित अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा। कानून की जानकारी के लिए मेरा लीगल चैनल कायदे भान देखते रहिए। और हाँ, जिन्हें मुझसे संपर्क करना है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है। लेकिन सीधा फ़ोन ना करें,
बिल्कुल भी ना करें, व्हाट्सएप में मैसेज डाल के अपॉइंटमेंट लीजिए, और जो कानूनन सलाह चाहिए वो सलाह लीजिए। बाय।